नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या वासियों को खुशखबरी मिली है। अयोध्या में बजरंग बली का विश्वविख्यात मंदिर हनुमानगढ़ी स्थित है। हनुमान जी को अयोध्या का कोतवाल माना जाता है और कहते हैं कि हनुमान जी की आज्ञा लिए बिना कोई प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं कर सकता। दूर दराज से लाखों भक्त सालों से हनुमान जी के मंगला आरती में सुबह 4 बजे ही पहुंच जाते हैं। अब खुशखबरी ये है कि अयोध्या हनुमानगढ़ी के लड्डुओं को GI टैग मिल गया है। अब हनुमानगढ़ी का लड्डू दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाएगा। दरअसल वाराणसी के रहने वाले GI टैग एक्सपर्ट पद्मश्री रजनीकांत ने अयोध्या हनुमानगढ़ी के लड्डू को GI टैग के लिए आवेदन किया था। हनुमानगढ़ी लड्डुओं को GI टैग मिल गया। इसके बाद अब जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो दुनिया भर से राम भक्त अयोध्या में आएंगे। यहाँ करोड़ों राम भक्त न केवल भगवान राम का दर्शन करेंगे बल्कि अपने साथ प्रसाद के रूप में लड्डू भी ले जाएंगे। हम अयोध्या आए हैं श्री राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी का। हनुमानगढ़ी में हम हर मंगलवार को लगभग 10 साल से आ रहे हैं दर्शन करने, और सुबह आरती में आते हैं। सुबह 4 बजे की मंगला आरती में हम हर मंगलवार को आते हैं, और हमको यहाँ आने पर आज पता चला कि ये GI टैग में ये प्रसाद यहाँ का GI टैग में लड्डू का वो हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ। इसके लिए हम लोगों बहुत गर्व की बात है, बहुत 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 गर्व की बात है। पूरे दुनिया में हनुमानगढ़ी का लड्डू एक ब्रांड बनकर सामने आएगा। बेसन और शुद्ध देसी घी से इन लड्डुओं को तैयार किया जाता है। हनुमानगढ़ी के लड्डू को GI टैग मिलना अयोध्यावासी इसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम और हनुमान भक्त की कृपा मान रहे हैं। ये अयोध्यावासियों के लिए साथ साथ हमारे मुदनवाल समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि जैसे काशी में, मथुरा में GI टैग विभिन्न प्रसादों पे मिलता रहा है, वैसे हमारे GI टैग ये लड्डू भोग प्रसाद के लिए मिला है। ये अयोध्या के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को इसकी उपलब्धि? सरकार के लिए इसको बहुत बहुत कोटि कोटि आभार है। जो एक तरफ भगवान राम का मंदिर बन रहा है, दूसरी तरफ ये उपलब्धि मिली है, साथ ये सोने पे सुहागा वाली बात है कि जो जिस चीज का इंतजार हम लोग के समाज को बहुत दिन से था, वो राम मंदिर निर्माण के साथ ये पूरा भी हो गया। और पूरे विश्व में हनुमानगढ़ी का लड्डू का प्रसाद विख्यात था। हनुमानगढ़ी का लड्डू तो खैर हम लोग के दादा परदादा के जमाने से, और जहाँ तक लोग आते हैं, ये हनुमानगढ़ी का लड्डू बहुत ही प्रसिद्ध है और लोग इसको दूर दूर तक लेके जाते हैं। और इसकी खासियत ये है कि लोग इसको बनाने का तरीका लोगों का भिन्न भिन्न है, लेकिन सबको अच्छा लगता है।